नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, एग्रीकल्चर टीए और शुगर केन का पेपर 31 अगस्त को होने वाला है, ठीक 31 अगस्त। तो देखो, कुछ लोगों का कहना है कि जो सरकारी रिजल्ट पर जो है कैंसिल लिख के आ रहा, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। जो इसकी साइट है, इसकी साइट पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहां पर जो है कैंसिल लिख के आ रहा है। चलो ठीक है, लेकिन साइट पर नहीं। तो मेरा मानना यह है कि पेपर जो है 31 को होगा, 31 31 अगस्त को होगा, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ एग्रीकल्चर शुगर केन के जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा। उन प्रैक्टिस सेटों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उन प्रैक्टिस सेटों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और आपको सिर्फ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बाकी रिवीजन, आपको रिवीजन में ज़्यादा समय आपका आपको यूज़ करना है, ठीक है। देखिए, चाहे एग्रीकल्चर टीए के स्टूडेंट हों, चाहे शुगर केन के हों, चाहे अन्य कोई एग्जाम के, ठीक है, अपनी तैयारी को ढीला मत होने देना, ठीक। अपनी तैयारी को ढीला मत होने देना कृपया करके, ठीक है, क्योंकि तैयारी ढीली हो गई तो आप ढीले हो जाएंगे, ठीक। इसलिए तैयारी को कतई मत ढीले होने देना, और बम्पर आप पढ़ाई करते जाना। अभी मैं आपको बता दूं, 5000 सितंबर में एसआई की जॉब आने जा रही है, एसआई सब इंस्पेक्टर दरोगा, ठीक। तो अभी तक इसका कुछ क्लियर नहीं था। देखो, आज का पेपर पढ़ा और उसमें आ गया 5000 जो है दरोगा के पेपर निकलेंगे, कुछ नहीं था। इसी तरह मैं आपको बता दूंगा, किसी दिन पेपर में आप सुबह उठोगे, किसी दिन पेपर में आएगा कि लेखपाल के पद निकल गए, किसी दिन आएगा कि एग्रीकल्चर टीए के पद आ गए। ये सरकार ऐसा कर रही है, ठीक है, कि आपको पता भी नहीं चलेगा, पद भी आ जाएंगे और अगले महीने पेपर भी हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जो एसआई की वैकेंसी आई है, एसआई की वैकेंसी 5000 सितंबर में वैकेंसी आएंगी, और नवंबर में आपका जो है पेपर होगा, और फरवरी में दौड़ होगी, बड़ी जल्दी प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप पढ़ाई को मत ढीला करो, ठीक, पढ़ाई करते जाओ। एग्रीकल्चर टीए वाले, देखो मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर टीए अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी जरूर दीजिए, मत रुकिए, क्योंकि ये मत सोचिए कि भी वैकेंसी नहीं आ रही है और अभी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमारे इतने नंबर हैं, रिजल्ट आ जाएगा तब मैं तैयारी करूंगा, ठीक है। देखो, कोई भी चीज़ कभी बर्बाद नहीं जाती है, कोई भी चीज़ कभी बेकार नहीं जाती है, और आप जो पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट एग्जाम में उसका काम आएगा, भाई पक्का काम आएगा नेक्स्ट एग्जाम में। और पढ़ने का तरीका मैंने बताया भी है, नोट्स बनाने का तरीका हमने बताया है। तो आपसे यही मैं बस उम्मीद रखता हूँ कि अपनी पढ़ाई जी जान से करिए, जिससे कि आपका जॉब कहीं ना कहीं लग जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं लगेगा आपका जॉब। ये नहीं कह रहा है कि आप एग्रीकल्चर टीए के लिए बने हैं, नहीं, आप फॉर्म सारे डालिए, ठीक है, पक्का आपकी जॉब कहीं ना कहीं लगेगी, ये हम गारंटी से कह रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो। नहीं तो वो अपने आप से छलावा कर रहे हैं, ठीक। अगर सपोज करिए, देखिए, आपकी जॉब लग गई तो क्या सब अलग होगा, मतलब सब कुछ नया होगा, अरे अच्छा सैलरी मिलेगी, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। पहले आप ये सोचिए कि आज जहां पर हैं, ठीक, वहां पर पहुंचने के लिए आपके पापा मम्मी ने कितनी मेहनत की होगी, आपके पापा मम्मी ने कितनी मेहनत की होगी कि आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, ठीक। मैं इतना संघर्ष किया हूं कि मैं बता नहीं सकता हूं, मैं अपनी कहानी बताऊंगा, जब कभी समय मिलेगा तो मैं अपनी कहानी जरूर बताऊंगा। बस यही मैं आपसे जो है निवेदन करता हूं कि पिछले अपने खराब दिनों को आप याद करिए, उन्हीं खराब दिनों को आप आधार बनाइए कि हाँ, पिछले समय, पिछले कुछ पहले हमारे पास ये समस्या थी,
कितनी समस्या से लड़कर आज हम तैयारी कर रहे हैं। अगर जॉब ना मिली तो क्या होगा, अगर हम पास ना हुए तो क्या होगा, कितनी बेइज्जती होगी। ये काम तुम्हें सोचना है। और पुराने दिनों जो आपके बीत गए हैं बुरे दिन, ठीक, वो सारे याद होंगे, ठीक है। किसी के पास किराया नहीं होगा, किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा, रूम का भाड़ा लेट में, मतलब सारी, देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी बाहर रहा हूँ और आप लोगों की समस्या से अवगत हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को समझा रहा हूँ। देखिए आप प्लीज़ मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, बहुत करिए, अरे बिल्कुल जी जान लगा जुट जाइए, खत्म कर दीजिए पढ़ाई, बिल्कुल समाप्त कर दीजिए द इंड, किताबों को बिल्कुल पी जाइए। देखो पक्का जॉब मिलेगी आपको अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको जॉब मिलेगी। अगर आप मेहनत से थोड़ा डाउन हुए तो दूसरा आपको लात मार के चढ़ जाएगा। अच्छा मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार असफल होंगे, असफल हो चुके होंगे, किन्हीं का 2 नंबर से रुका होगा, किन्हीं का 3 नंबर से रुका होगा, 1 नंबर से रुका होगा, ठीक है, प्लस उनकी फैमिली समस्याएं भी होंगी, ठीक। तो उनका मन करता होगा कि नहीं अब हमारी किस्मत खराब है, अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब हम मेहनत नहीं करेंगे, अब बंद। मित्र एक चीज बता दे, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो पहली बार असफल ना हुआ, जब असफल हो गए तभी सफलता मिलेगी, ठीक। कितनी बार आप असफल हो गए, कितनी बार असफल हो गए, आप मेहनत करते जाइए और मेहनत करोगे, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, ये गारंटी है। मायूस मत हो, मायूस हो जाओगे तो सारी भविष्य की योजनाओं पर आपके पानी फिर जाएगा। 31 अगस्त को शुगर केन का पेपर है, आज 19 तारीख है, आपके पास 11 दिन बचे हैं, 11 दिनों का आप यूज इतना ज्यादा करिए, 11 दिनों का आप इतना ज्यादा यूज करिए कि हाँ लगे कि तुम पढ़ाई करते हो, लगे कि हाँ तुम जॉब लेने के लिए तत्पर हो। पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर कठिन नहीं आएगा, पेपर आसान आएगा, पुराने पैटर्न का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। प्लीज आई एम रिक्वेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स, प्लीज आप लोग मेहनत करिए, ठीक है। अभी एसआई की जॉब, तमाम जॉबें बहुत सारी निकलेगी, बहुत सारी जॉब निकलेगी, आप मेहनत करते जाओगे ना तो कहीं ना कहीं सफल जरूर होगे। ये बात को गांठ बांधो, मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं जरूर सफल होगे, अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो कहां सफल हो जाओगे भाई, होगे नहीं होगे, ठीक। इसीलिए मैं 15 दिन में एक वीडियो ऐसा बनाता हूं कि आप लोग जो डाउन पड़ जाते हैं पढ़ाई पढ़ने में, ठीक है, उनके लिए विशेषकर लोग कॉल भी करते हैं, सर एक मोटिवेशन वाला वीडियो बना दीजिए। देखो हमारा मोटिवेशन वाला वीडियो नहीं, देखो जो सत्यता है भाई, अगर आप नहीं पढ़ोगे, कंटिन्यूटी नहीं बरतोगे तो कहाँ से जॉब मिल जाएगी, एक दिन में तीर तो मार नहीं लोगे। देखो साफ सी बात है, देखो एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे, और बनना जो पढ़ेगा जॉब उसी की लगेगी, जो मजाक करेगा, जो ईमानदारी से नहीं पढ़ेगा वो समय बर्बाद कर रहा है, फालतू पैसा बर्बाद कर रहा है, जॉब लगने वाली नहीं है मैं बता दूँ, अगर पढ़ोगे नहीं ईमानदारी से। बाकी तुम चाहे जो तुम्हारी इच्छा हो, चाहे जो कुछ करो, तुम्हारा आइया पैसा है, तुम्हारा दिमाग है, समझाना हमारा काम है, समझना तुम्हारा काम है, ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट, प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहनत जरूर करो और जॉब लो, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।